नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। नौरोजाबाद में हो रहे अतिक्रमण पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी किशन सिंह ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। दिनांक 30 अगस्त को नगर परिषद नौरोजाबाद में वार्ड नंबर 7 के पार्षद सुभाष नारायण सिंह और बाबूलाल केवट और वार्ड वासियों के साथ मिलकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी किशन सिंह ठाकुर को वार्ड नंबर 7 बाजारपुरा 8 नंबर रोड मुख्य चौराहा अतिक्रमण मुक्त कराने बाबत ज्ञापन सौंपा गया। वहीं मीडिया के समक्ष वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद सुभाष नारायण सिंह और बाबूलाल केवट ने नौरोजाबाद 8 नंबर रोड पर आवागमन अवरुद्ध होने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और मुख्य चौराहे पर राम नरेश सोनी और उनके पुत्र शिवम सोनी के द्वारा अतिक्रमण किए जाने के संबंध में क्या कहा, ये सुनते हैं। वो इस संबंध में दिए हैं कि सार्वजनिक तिराहा है, वो सार्वजनिक तिराहा को पूरा अतिक्रमण कर लिया गया है। वहाँ शिवम फर्नीचर के नाम से दुकान लगती है, 10x10 की दुकान है, वो लगाता है 30x30 में। और सार्वजनिक दुकान है, उत्तर से पश्चिम दुकान पूरा कब्जा करके रखा है। उत्तर से दक्षिण रोड जो है कैप्चर किया गया, ये पेटी पाकर रख देते हैं। अतिक्रमण किसके द्वारा करवाया जा रहा है, अतिक्रमण कौन कर रहा है? अतिक्रमण शिवम सोनी करवा रहा है, जो उसको भाईचारा मनावता मोहल्ला के नाते बोलो कि यार ये कब पेटी पाकर कम लगा, हमारी दुकान नहीं दिखती, तो बोलता है जिसके पास तुम जाओगे उसको हम खरीद लेंगे। अतिक्रमण के बाद कोई आज तक देखने आया या? कोई नगर शासन कोई वहाँ नहीं आता जाता। सीएमओ साहब उस रोड से 2-4 बार निकलते हैं, तहसीलदार साहब निकलते हैं, कोई वहाँ जागता नहीं कि क्या काम क्या कर रहा। क्या नाम है आपका? मेरा बाबूलाल केवट। आप क्या चाहते हैं इस संबंध? वो सार्वजनिक चौराहे से अतिक्रमण हटाया जाए। कहाँ के रहने वाले? भाई बगल में रहता हूँ, पड़ोसी हूँ। उसका मुख्य उद्देश्य है वार्ड क्रमांक 7 में राम नरेश सोनी और शिवम सोनी, राम नरेश सोनी शिवम सोनी का बाप है, और ये दोनों पिता पुत्र पूरे बाजार में इतना ज्यादा कालरी की जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं कि इससे आम नागरिकों को काफी कठिनाई हो रही है। इसकी बाजार में दुकान है, उसके सामने भी इसकी दुकान है, ये रोड पे पूरा सामान रख के अपनी दुकानदारी करता है, और अपनी दुकान बनाने के बाद बगल में इसने लोहे के पाइप गाड़ा, पाइप गाड़ के कुछ दिन तक उसको रखा रहा। अभी मैं परसों जब गया तो परसों देखा कि इसने उस दुकान के चारों तरफ अपनी सीट लगा के उसको भी कब्जा कर लिया, जिससे जो 8 नंबर जाने वाले रोड के है उस वो रोड बहुत सकरी हो गई है और गाड़ियों का आवागमन बहुत मुश्किल होता है। कभी मेन रोड अगर हमारी बंद हो जाती तो उस रोड से भी गाड़ी घोड़ा आते हैं, तो उसमें आने में गाड़ी चलने में आम नागरिक काफी परेशानी, तो कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है जिसका खामियाजा इस नौरोजाबाद के नागरिकों को उठाना पड़ेगा। उस संबंध में मैंने सीएमओ को ज्ञापन दिया, सीएमओ को मैंने 15 दिन का समय भी दिया है कि अगर उसने उस अतिक्रमण को नहीं हटाया और शिवम सोनी और राम नरेश सोनी के द्वारा जो अतिक्रमण किया उस पर जो कार्रवाई नहीं किया, मैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी को कोर्ट में घसीटूंगा, उनके नॉमिनेट घसीटूंगा, क्योंकि इनके ही बढ़ावे से अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है और इनके राजस्व के कर्मचारी पैसे वाले लोगों से पैसा लेके अतिक्रमण कर रहे हैं। और इससे सर देखा गया कि बड़े बड़े हादसे के शिकार भी हो चुके हैं, और बाबूलाल का कहना है कि अगर हम वहाँ पे बातचीत करते तो उनसे विवाद किया जाता। नहीं, इसकी भी जानकारी मैंने दिया है, और इसकी जानकारी देने के बाद मैं अभी थाने में भी जाके इसकी शिकायत करूंगा और एसडीएम मैडम से और कलेक्टर साहब से भी मिलूंगा, इसकी शिकायत करूंगा कि इसके द्वारा जो अतिक्रमण किया जा रहा है, जो अनाचार किया जा रहा है बाजार के नागरिकों के साथ, उस पर लगाम लगाई जाए, नहीं तो कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है जिसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। बाबूलाल अगर वहाँ से बात करते हैं तो बाबूलाल से ये कहा जाता है कि आपको जहाँ शिकायत करना है वहाँ पर ले जाइए, हम सबको खरीद लेंगे। नहीं, ये भी मेरी सुनने में आया है कि ये अपनी कुछ राजनीतिक जो इसकी पहुँच है उस पहुँच के माध्यम से भी ये ऐसा देता है, तो मुझे इसकी राजनीतिक पहुँच से कोई मतलब नहीं है, ये कितना पहुँच वाला है क्या है मुझसे कोई लेना देना नहीं है, और जो पहुँच वाले व्यक्ति हैं वो भी जानते हैं कि अतिक्रमण कर रहा है गलत कर रहा है, वो भी इसका साथ नहीं देंगे, और ये इसके हित में यही है कि अतिक्रमण हटा ले, और इसने अतिक्रमण करके अभी 10-15 कमरे का अपना गोदाम बनाया, उसकी भी मैं जांच करवा रहा हूँ, उसमें भी मैं कागजी प्रबंधन और नगर पालिका प्रबंधन दोनों को मैं नोटिस दूंगा, अगर इन लोगों ने कार्रवाई नहीं की तो इनके खिलाफ मैं माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर करूंगा। सर वहाँ पे देखा जा रहा है कि एसीसीएल का पोल हो या फिर नगर परिषद का पोल हो और वो अपने घर के अंदर कब्जे करके रख लिए हैं, उसमें आपका